हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को डिग्रीज के बारे में बताने वाले हैं। डिग्रीज मींस अवस्थाएं कि किसी भी एडजेक्टिव की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हम कहेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं, एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक पॉजिटिव डिग्री, नंबर दो कॉम्परेटिव डिग्री, नंबर तीन सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव जो होता है वो अपनी तीन अवस्थाओं में होता है, या तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, या वो कंपरेटिव डिग्री में होगा, या वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। हम कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में है? यदि किसी एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज डॉट डॉट एज या सो डॉट 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 एज लगा हो, या वह एडजेक्टिव अपने मूल फॉर्म में हो, तो वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है। यदि किसी एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज या सो एज लगा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो एडजेक्टिव किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। या तो उसके आगे पीछे एज लगा होगा, या वो सो एज लगा होगा, या वो एडजेक्टिव अपने मूल फॉर्म में होगा, तो भी हम समझ लेंगे कि वो किस डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का है। जैसे हमने कहा, एक तो इस तरह से आ जाता है, राम इज अ गुड बॉय। अब हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो गुड यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये अपने मूल फॉर्म में है। एक तो इस तरह से आ जाता है एडजेक्टिव, दूसरा इस तरह से आता है, हमने कहा राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम, राम इतना अच्छा है जितना कि श्याम। तो यहां भी देखो गुड कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि यहां एडजेक्टिव जो है वो किस फॉर्म में है, पॉजिटिव में है या कंपरेटिव में। तो हम समझ जाएंगे कि जब एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज या सो एज लगा होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में है, या फिर वो अपने मूल फॉर्म में हो तो समझ जाएंगे कि हम वह पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब देख लेते हैं कंपरेटिव डिग्री। अब हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा कंपरेटिव डिग्री में है? तो यदि किसी
यदि किसी सेंटेंस में यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से की जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा THAN देन का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से की जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या देन का यूज होता है। तो जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से की जाए तो समझ लो यहां कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगेगा, देन। तो यदि आपको सेंटेंस में देन लगा मिल जाता है तो आप सेंटेंस समझ जाएंगे कि कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल में देखना आप लोग, जैसे हमने लिखा राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम की अपेक्षा अधिक अच्छा है। तो राम के गुण और दोषों की तुलना किससे हो रही है, श्याम से। और दूसरी बात एक और है कि यहाँ कंपरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव उसके बाद क्या लगा है, देन। तो जब कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन लगा होगा आप समझ जाओगे ये सेंटेंस किस डिग्री में, कंपरेटिव डिग्री में। इस प्रकार हम समझ जाएंगे कि ये कंपरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। पहले हमारा मोटो यही है कि आप ये समझ जाएं कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि कंपरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। आप देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अपने समूह में से
समूह में से सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है तो वहां सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं तो जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को जब किसी सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को अपने समूह में से या तो सबसे अच्छा माना जाता है या सबसे खराब माना जाता है तो वहां हम कौन सी डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी एडजेक्टिव से पहले यदि द लगा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। तो किसी एडजेक्टिव यदि किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। यदि किसी कंपरेटिव डिग्री के बाद कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन लगा है तो वो कंपरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और यदि किसी एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज या सो एज लगा है तो वो किस डिग्री का सेंटेंस है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है या कंपरेटिव डिग्री का सेंटेंस है या फिर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इस तरह से इनको हम समझ जाते हैं। अब आगे हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना। अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव डिग्री में बदलेंगे। एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसको हम लोग किसमें? कंपरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज एज गुड एज मुकेश। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस डिग्री का सेंटेंस है? पॉजिटिव डिग्री का। क्यों? क्योंकि यहां गुड है एडजेक्टिव, उसके आगे और पीछे क्या लगा है? एज। और जब किसी एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज लगा होता है किस डिग्री का होता है? पॉजिटिव डिग्री का। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हम लोग कंपरेटिव में बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये आपकी जो है ये क्या है? ये आपकी वर्ब है। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट को रख लिया सब्जेक्ट, तो मुकेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो यहां टेंस हो वही टेंस के अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं कि अब यहां सब्जेक्ट क्या आ रहा है। यदि सिंगुलर आ रहा है तो इज लगाएंगे, यदि प्लूरल आ रहा है तो आर लगाएंगे। मुकेश कैसा है? सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे? इज। दूसरी बात कि अब ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव होता है
तो कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनाया जाता है। तो क्या लगाएंगे? नॉट। तो मुकेश इज नॉट। अब गुड की कंपेरेटिव डिग्री बेटर, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या लगता है? देन। ठीक। और कर्ता को कर्म, कर्म के स्थान पे लिखना है, ना कि कर्म कारक के रूप में, कर्म के स्थान पे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? ही। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। इस तरह से हम सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं। नेक्स्ट और देख लीजिए दूसरा सेंटेंस, जैसे सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एज नीलू, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। ये भी पॉजिटिव डिग्री का है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे और पीछे क्या लगा होता है? एज एज और सो एज। तो पॉजिटिव डिग्री का है, कंपेरेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले कर्म को करता, कर्म ऑब्जेक्ट क्या है? नीलू। तो कर्म को करता तो लिखा हमने क्या? नीलू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अब सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री अफर्मेटिव, हमेशा अपोजिट होता है। यदि आपको सेंटेंस अफर्मेटिव मिल रहा है तो आप नेगेटिव बनाएंगे, यदि आपको सेंटेंस नेगेटिव मिल रहा है तो अफर्मेटिव बनाएंगे। तो हमें सेंटेंस कैसा मिला? नेगेटिव, तो हम कैसा बनाएंगे? अफर्मेटिव। तो नीलू इज। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री, तो ब्यूटीफुल की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल का हम लोग कभी ब्यूटीफुलर नहीं लिखते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनका हम प्रोनंसिएशन डबल साइलेबल में करते हैं, जिनको हम दो बार में, तीन बार में, चार बार में बोलते हैं, उनको कंपेरेटिव बनाने के लिए हमेशा मोर लगाया जाता है, और उनको सुपरलेटिव बनाने के लिए हमेशा मोस्ट का यूज़ किया जाता है, उनको कभी ER लगाकर हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। तो यहाँ हमने ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इसको हम तीन बार में कह पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? देन। तो नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन। अब कर्ता को कहाँ? कर्म के स्थान पे क्या? सी। तो हो गया नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। इस तरह से हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड सेंटेंस, ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग, ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। बनाएंगे कर्म को करता तो ए डॉग, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, रंस लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कंपेरेटिव डिग्री में बनेगा तो कैसा बनेगा? नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। तो ए डॉग डज नॉट, फिर क्या? रंस की जगह क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। तो ए डॉग डज नॉट रन। फास्ट की कंपेरेटिव डिग्री फास्टर, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आगे क्या हो जाएगा? ए कैट। तो ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया, ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। देखिए, और इसी तरीके के और एक दो करा देते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। जैसे फोर्थ सेंटेंस, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई
सो फास्ट एज द, सो फास्ट एज द एरोप्लेन, ये बनाएंगे। कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे पीछे एज एज और सो एज लगा होता है, तो हम समझ गए पॉजिटिव डिग्री में है। कंपरेटिव बनाना है तो कर्म को करता द एरोप्लेन, नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, नॉट भी नहीं यूज होगा। फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव किसमें जाएगा? कंपरेटिव डिग्री में। क्या हो जाएगा? फास्टर। कंपरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं? देन। क्या हो जाएगा? बर्ड्स। तो ये क्लियर हो गया हमारा, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी में, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। ये थोड़ा सा अलग तरह का सेंटेंस है, आप लोग देख रहे होंगे। इसी तरह से हम आगे और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, कर्म को करता क्या हो जाएगा? आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा बनेगा? नेगेटिव, तो आई डू नॉट क्या हो जाएगा? रीड। केयरफुली, केयर और फुली, इसको कंपरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या लगा के बनाएंगे? मोर केयरफुली। कंपरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं? देन। कर्ता को कर्म के स्थान पे ही, जब आई के साथ डू लगा है तो ही के साथ क्या लग जाएगा? डज। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट देख लीजिए, सिक्स नंबर, यू नो हर, नो हर एज वेल एज आई डू। देखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? आई। अफर्मेटिव है, जाएगा कैसा? नेगेटिव, तो आई डू नॉट मैन वर्ब, नो ऑब्जेक्ट क्या है? हर। वेल की कंपरेटिव डिग्री बेटर, कंपरेटिव डिग्री के बाद देन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू, आई के साथ डू है तो यू के साथ भी डू, तो आई डू नॉट नो हर बेटर देन यू डू। इस तरह से आप लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। अब हम लोग सेकेंड ऐसा करते हैं कि कंपरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। तो डालेंगे कंपरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री से नहीं, कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। देखिए एक सेंटेंस, जैसे वर्षा
इज मोर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल देन श्वेता. वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता. कौन सी डिग्री में है? कंपरेटिव डिग्री में, क्योंकि इसमें क्या लगा है देन, कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है देन, तो देन लगे होने से हम ये समझ गए कौन सी डिग्री में है, कंपरेटिव डिग्री में. बनाएंगे सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो श्वेता. यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो किसमें लिखते हैं, नेगेटिव में, तो श्वेता इज नॉट. अब ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री, तो ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री तो ब्यूटीफुल होता है, इसके आगे पीछे क्या, एज या सो एज, तो हमने लिखा एज ब्यूटीफुल एज वर्षा. तो हमने लिखा श्वेता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज वर्षा. या आप लोग यहां ऐसा भी कर सकते हो, एज ब्यूटीफुल एज की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, सो ब्यूटीफुल एज वर्षा, ऐसा भी कर सकते हो. क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में चाहे आप एज का यूज कर दें, चाहे आप सो एज का यूज कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे. दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट टॉलर देन, ही इज नॉट टॉलर देन यू. बनाएंगे सबसे पहले कर्म को करता, तो क्या बनाया, यू. नेगेटिव है तो जाएगा किसमें, अफर्मेटिव में. यू के साथ क्या, आर. टॉलर की पॉजिटिव डिग्री टॉल, तो एज टॉल एज क्या, ही. तो ये बन गया यू आर एज टॉल एज ही, यू आर एज टॉल एज ही. ये देखिए, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड. कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, देन लगा है तो कौन सी डिग्री का है, कंपरेटिव है, तो बनाना है हमें किसमें, पॉजिटिव में. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे गोल्ड. अफर्मेटिव है कैसा लिखना है, नेगेटिव, तो गोल्ड इज नॉट मोर यूजफुल को पॉजिटिव डिग्री में, उससे आगे पीछे क्या लगता है, एज या सो एज, तो एज यूजफुल एज ब्रेड. तो ये बन गया गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड. दूसरा देखिए, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग. यहां भी आप देख रहे हैं क्या लगा है, देन कौन सी डिग्री में है, कंपरेटिव में. किसमें बनाना है, पॉजिटिव में. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, योर डॉग. प्रेजेंट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसा बनाएंगे, नेगेटिव, तो योर डॉग डज नॉट रन, फास्टर की पॉजिटिव डिग्री फास्ट, उसके आगे पीछे एज या सो एज, तो एज फास्ट एज माई हॉर्स. इस तरह से योर डॉग डज नॉट रन एज फास्ट एज माई हॉर्स. नेक्स्ट देखिए, दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज. दिस मैन हैज मोर ऑक्सन देन काउज. तो यहां देखेंगे कि हम देन लगा है कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री में है. अब देखना है कि कंपेरिजन किसकी हो रही है, तो हम देखते हैं इसका अर्थ, दिस मैन इस व्यक्ति के पास हैज रखता है मोर ऑक्सन देन काउज, गायों की अपेक्षा बैल अधिक हैं. इस व्यक्ति के पास गायों की अपेक्षा बैल अधिक है, तो इस व्यक्ति की तुलना किसी चीज से नहीं हो रही है. ठीक है, इस व्यक्ति के पास जो
बैल और गायें हैं उनमें तुलना हो रही है कि उसके पास गायें अधिक है या बैल अधिक है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है ऑक्सन और काउज में। तो यहां हम ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस मैन हैज। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है तो किसमें जाएगा? नेगेटिव, तो हैज नॉट। मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका देख लेते हैं, ये बने हुए हैं मच, मोर और मोस्ट। मोर की पॉजिटिव डिग्री होती मच, कंपैरेटिव डिग्री मोर और मोस्ट। एक इसकी और भी डिग्री है, जैसे मैनी, मोर और मोस्ट। अब यहां हम देखते हैं कि यहां पे हमें जब पॉजिटिव डिग्री में मोर का पॉजिटिव डिग्री लाना है तो मच लगाएंगे कि मैनी लगाएंगे। तो देखना है गायों और बैलों की संख्या होती कि मात्रा, संख्या होती है तो संख्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैनी। तो हम मच का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां हम मोर का पॉजिटिव डिग्री क्या लगाएंगे? मैनी। तो एज मैनी, अब कर्म क्या? एज मैनी काउज एज ऑक्सिन। तो क्या हो गया? दिस मैन हैज नॉट एज मैनी काउज एज ऑक्सिन। इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन यहां हो रही है गायों और बैलों के लिए की। तो यही हम लोग सेंटेंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, इसमें भी ध्यान लगा है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री का है तो पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द काइट्स। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट एज, डू नॉट वर्ब, फ्लाई एज फास्ट एज द बी आई आर डी एस क्या बर्ड्स। तो लिखेंगे द काइट्स डू नॉट फ्लाई एज फास्ट एज द बर्ड्स। इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम नो अदर वाले सेंटेंसेस, अब हम नो अदर वाले सेंटेंसेस की पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या लगा होता है? नो अदर लगा होता है, उनमें हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में उनको कैसे बदलते हैं? तो ऐसे लिख ले, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना। ठीक, ये ऐसे सेंटेंस जिनमें नो अदर लगाओ उनकी हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे नो अदर टाउन इन बिहार, नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना। ठीक, इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे सो और क्या लगा है? एज, और सो एज लगा होता है तो सेंटेंस किस डिग्री का होता है? पॉजिटिव डिग्री का। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है,
ये बात हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, पटना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पटना इज। कंपरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो एडजेक्टिव की कंपरेटिव डिग्री लार्ज की, लार्जर कंपरेटिव डिग्री के बाद देन। तो आप लोग देख रहे हैं यहां से हमने पटना को ले ही लिया है, हेल्पिंग वर्ब ले ली है इज, एडजेक्टिव जो था लार्ज, लार्ज की कंपरेटिव डिग्री लार्जर, और कंपरेटिव डिग्री के बाद देन, तो देन भी लगा लिया। अब सेंटेंस हमारा यही तो बचा, नो अदर टाउन इन बिहार, तो नो अदर की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एनी अदर। जब भी हम नो अदर वाले की कंपरेटिव डिग्री बनाते हैं तो नो अदर की जगह यूज कर देते हैं एनी अदर, और पूरा वैसे ही नोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एनी अदर टाउन इन बिहार। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, पटना इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन बिहार, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि कभी कभी एनी अदर की जगह पे आप, एनी अदर की जगह पे आप ऑल अदर का भी यूज कर सकते हो। कंपरेटिव डिग्री में एनी अदर की जगह पे आप ऑल अदर का भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान ये दे रखना है कि एनी अदर के बाद वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यदि आप एनी अदर की जगह पे यदि आप ऑल अदर लिखते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन आप यूज करेंगे वो आपको हमेशा प्लूरल यूज करना पड़ेगा। कैसा, प्लूरल यूज करना पड़ेगा। इसी सेंटेंस को यदि हम ऐसे लिखें, पटना इज लार्जर देन, अब एनी अदर की जगह पे हम यूज कर रहे हैं क्या, ऑल अदर, तो यहां हम टाउन नहीं, क्या लिखेंगे, टाउन्स इन बिहार। अब हमारा ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये भी सेंटेंस, तो ध्यान रखना है कि एनी अदर के बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आता है जबकि ऑल अदर के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो कंपरेटिव डिग्री में आप चाहे एनी अदर यूज करें और चाहे आप ऑल अदर यूज करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से ठीक है, आज फ्रेंड्स इतने ही रखते हैं, ये डिग्री का लेक्चर फर्स्ट रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपका लेक्चर सेकेंड आएगा, और इस तरह से आगे आपका कंटिन्यू ये बना रहेगा। और कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।